वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में अभी और प्रज्ञा के सामने दिग्विजय अब मुखौटा पहनकर आने वाला है, ताकि अब यहाँ पर प्रज्ञा और अभी को उसका चेहरा ना दिख सके। और उसके बाद में दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी मुसीबत भी आने वाली है, अभी और प्रज्ञा के ऊपर गोली चलाने वाला है यहाँ पर दिग्विजय। लेकिन क्या दिग्विजय का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या अभी और प्रज्ञा दोनों यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? चलिए हम आपको बताते हैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर भूल गए हो तो सब्सक्राइब भी बहुत जल्दी कर लेना। आप सबको देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में कि अभी और प्रज्ञा अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सुरक्षित तो निकल जाते हैं, थोड़ी बहुत चोटों के साथ में वो बैठकर अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पहुंचता है दिग्विजय, और दिग्विजय के गुंडे चारों तरफ से घेर लेते हैं अभी और प्रज्ञा को, जिसके बाद में दिग्विजय अब यहाँ पर अभी और प्रज्ञा के ऊपर बंदूक तान देता है, जिसके बाद में अब अभी और प्रज्ञा को दोनों को एक दूसरे को बचाने की होड़ लगी रहती है। प्रज्ञा यहाँ पर अभी को बचाने के लिए आगे आ जाती है, जिसके बाद में दिग्विजय फैसला लेता है कि एक एक करके ही दोनों को मार दिया जाएगा, जिसके बाद में अब दिग्विजय के हाथों से यहाँ पर गोली चलने वाली है, जिसके बाद में अब अभी और प्रज्ञा दोनों सबसे पहले यहाँ पर एक दूसरे को प्रोटेक्ट तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी अभी की तरफ से एक सबसे बड़ा कदम उठाया जाएगा, और अभी आ जाएगा उस यहाँ पर गोली के सामने, की वजह से वो हल्का सा घायल होने वाला है, और अभी और प्रज्ञा दोनों एक बार फिर से यहाँ पर खाई के अंदर गिरने वाले हैं। अभी की हालत खराब होगी, प्रज्ञा उसे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या प्रज्ञा उसे बचा पाएगी या फिर नहीं, इसकी डिटेल वीडियो कल देखने को मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए।